नमस्कार, अमृतसर पेज न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम वहाँ चले हैं विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर, जो कि दुर्गियाना तीर्थ में स्थित है। अमृतसर में रह रहे लोगों को इस मंदिर के बारे में काफ़ी पता होगा, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो इस शहर से बाहर रहते हैं या फिर फॉरेन में रहते हैं, उनको इस मंदिर के बारे में कम जानकारी होगी। बता दें कि ये मंदिर इतना प्राचीन है कि माना जाता है कि रामायण के समय में जब लव कुश यहाँ पर आए थे तो हनुमान जी को उन्होंने यहीं पर बांधा था। इसी के साथ साथ इससे जुड़े कुछ चीज़ों की बात की जाए तो ये माना जाता है कि जो स्त्री गर्भ यानी कि संतान प्राप्ति का सुख नहीं भोग पाती हैं, वो यहाँ आकर मन्नत करती हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही साथ में नवरात्रि में यहाँ पर लंगूर भी बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से खूबसूरती से इसको सजाया गया है। आज ही 56 भोग का यहाँ पर प्रोग्राम है, तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ पर दर्शन करके कमेटी मेम्बर से बातचीत करते हैं। बात की जाए सजावट की, आप देख सकते हैं कि रंग बिरंग तरीके के फूल लगाए गए हैं, लाइटनिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है। तो ये सजावट जो है वो 3 दिन पहले से ही शुरुआत इसकी हो गई थी। साथ ही साथ में यहाँ पर भक्तों का भी तांता लगा हुआ है, हर कोई दर्शन करने के लिए आ रहा है और अपने साथ साथ आशीर्वाद लेकर जा रहा है। खूबसूरती से ये पूरा पंडाल सजाया गया है, एक तरह से आपको बता दें फूलों को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। और अंदर भी अगर आप देखें बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। देख सकते हैं आप पूरी तरीके से एंट्रेंस को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है, हर तरीके से पूरे साफ सुथरे फूल और एक तरीके से डेकोरेशन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छी तरीके से लिया गया है। साथ ही साथ में अंदर में आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है और हर कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आपको बता दें जैसे कि गोवर्धन जी का स्वरूप बनाया गया है, गोवर्धन पूजा यहाँ पर की जा रही है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से गोवर्धन भगवान का स्वरूप बनाया गया है, जहाँ पर 56 भोग जो है वो हनुमान जी के स्वरूप के आगे चढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ में अगर बात हम थोड़ी कर लें वट वृक्ष की, तो ये वही वृक्ष है जहाँ पर लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था, रामायण के काल का ये मंदिर। साथ ही साथ में ये वृक्ष जो कि प्राचीन काल का है, जहाँ पर रामायण का इसके धागे जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो ये हमने आपको दिखाया वट वृक्ष के बारे में। अब हम चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर सजावट की गई है और किस तरीके से 56 भोग उनको परोसे जा रहे हैं या उनके स्वरूप के आगे चढ़ाए जा रहे हैं। हम पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर में, जहां पर उनको 56 भोग जो है वो परोसे गए हैं। आप देख सकते हैं कि तरह 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 की मिठाइयाँ, फल, फल साथ ही साथ में पकवान जो है वो उनको परोसे गए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हनुमान जी का स्वरूप बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है और हर तरफ से भीड़ और भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको लाइव कवरेज हम दे रहे हैं यहाँ पर जितने भी तरीके से स्वरूप को सजाया गया है, चाहे वो ड्राई फ्रूट से हो या फिर तरह तरह के पकवान, फल फ्रूट जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर परोसे गए हैं हनुमान जी को। तो अब हम बात करेंगे मंदिर की कमेटी के मेंबर से और उनसे जानेंगे इस खास दिन के बारे में। सर आपका नाम? जी मेरा नाम संजय मेरा है। अनिल वर्मानी, चेयरमैन राम सेवा परिवार जी। तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज जैसे 56 भोग की तैयारियां की गई हैं, हनुमान जी के स्वरूप के आगे ये सारी चीज़ें चढ़ाई गई हैं, इस खास दिन के बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए जी, आज श्री दुर्गियाना कमेटी के तत्वावधान में श्री राम सेवा परिवार द्वारा ये उत्सव जो मनाया जा रहा है और सुबह से जो है संगतों का आना जाना लगा हुआ है। सबसे पहले सुबह 1 बजे गोवर्धन पूजा की गई है, उसके बाद हनुमान जी महाराज जी को 56 भोग के मिठाइयों के भोग लगाए गए हैं और जो दर्शन है वो 4 बजे खुले हैं। अब बाहर लंगर चल रहा है, 4 बजे से अटूट लंगर चल रहा है जो कि रात तक चलेगा। 6 बजे जो हरिनाम संकीर्तन आरती के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। मंगल को देखिए आप, रंग बिरंगी लाइटों से फूलों से सजाया गया है और भक्तों का जो है सुबह से ही आना जाना लगा हुआ है और भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर तो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है सर, सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो सजावट है वो इसकी तैयारियाँ कब से शुरू हो गई थी? ये 4 दिन से वृंदावन और कलकत्ता से जो कारीगर आए थे उन्होंने सारा मंदिर तैयार किया है। ये कम से कम 10 टन फूलों से और 5000 पीस जो इम्पोर्टेड फूल है वो सारे लगा के मंदिर को सारा पूरे भव्य तरीके से तैयार किया गया है। और प्रसाद की जैसे आपने कहा कि वो जो लंगर लगा उसकी क्या क्या तैयारियाँ या व्यवस्थाएं की? लंगर कल रात से ही बनना शुरू हो गया था। इसमें जो अन्नकूट का स्पेशल प्रसाद होता है, कढ़ी चावल, उसके बाद सतसागा, पूड़ी, हलवा, खीर, सब प्रकार के व्यंजन जो बाहर प्रसाद में लगे हुए हैं, भक्त सब प्रसाद पा रहे हैं, हनुमान जी का गुण गा रहे हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। तो इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से मंदिर में जो तैयारियां थी वो 4 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। कलकत्ता से यहां से फूल मंगाए गए हैं और सारी सजावट जो है वो की गई है, साथ ही साथ में भक्तों का आना जो है वो सुबह से ही शुरू हो गया। लंगर की तैयारियाँ कल रात से ही शुरू हो गई थी और जो खास प्रसाद जैसे कि कड़ी चावल जो है वो सर्व किया गया था यहाँ पर, और साथ ही साथ में भक्तों की भीड़ जन जो है, जितने भी भक्तजन है वो यहाँ पर आपको मौजूद दिख रहे हैं जो कि सुबह से ही यहाँ पर आते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया हनुमान जी के मंदिर के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी जय श्री राम कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अमृतसर पेज न्यूज़।